पीटीआई का वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सदर ममलुकत बहुत जल्द वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। पीटीआई ने यह फैसला एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात को देखते हुए किया। नून लीग के 5 एमएनएस का पीटीआई से रब्ता, 4 अराकीन कौमी असम्बली का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब और 1 जनूबी पंजाब से है। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, तहरीके इंसाफ में जो है वो पार्टी हुकूमत को सब टाइम देने का फैसला किया है। यही वजह कि अब मुस्लिम यून के अरकाने कौमी असम्बली और पीटीआई के दरमियान रबते हो रहे हैं। 5 ऐसे अरकाने कौमी असम्बली है जिनके हवाले से इतलात आ रही है कि वो अपनी मुस्तकबिल की सियासी अलाइनमेंट पीटीआई के साथ करने जा रहे हैं, और एतमाद के वोट का अगर मरहला आता है तो उसमें वो पीटीआई की लाइन को ड्रो करेंगे और वो हाउस से एब्सटेन करेंगे। तो इस तरह अब आज ही मुमकिन है कि आज शाम तक पीटीआई के इन 5 एमएनएस की पीटीआई की क्यादत के साथ मुस्लिम यून के इन एमएनएस की बात तय पा जाएगी और उसके बाद नई दिक्कत सामने आ जाएगी। शुक्रिया लियाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे।